कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के तेज तरार युवा नेता गुड्डू तिवारी को कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है, जिससे गोरखपुर के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के प्रथम गोरखपुर आगमन पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष को माल्यार्पण कर उन्हें ढेरों बधाइयां दी। इस मौके पर NSUI के रामनाथ निषाद, बादल चतुर्वेदी, अभिजीत पाठक, आशुतोष शुक्ला सहित संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए NSUI के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू तिवारी ने कहा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 अली सुहाई जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी पीएल पुनिया, जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल। माननीय राहुल गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय फैरोज खान जी, NSUI इंचार्ज रुचि गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद माननीय पीएल पुनिया जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेंद्र मरु गुड्डू तिवारी जी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस कमेटी के रामनाथ निषाद जी ने के द्वारा संघर्षों द्वारा मुझे NSUI का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेतृत्व दायित्व दी गई है उसका समुच अच्छे तरीके से निर्वहन किया जाएगा और आगामी छात्र संघ चुनाव में NSUI मजबूती से पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और पूर्व विश्वविद्यालयों के साथ साथ महाविद्यालय में मजबूती से चुनाव लड़ने का कार्य किया जाएगा और जो संगठन कमजोर है संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। धन्यवाद।